काफी दिन से ये स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए शिक्षा विभाग से भी, यहाँ के माता पिता से भी, यहाँ के पार्षद मैडम से भी मुझे उद्घाटन के लिए बहुत दबाव आ रहा था कि आइए इसका उद्घाटन करना है, इसका उद्घाटन करना है। तो मैं ये सोच रही थी कि जी एक स्कूल बिल्डिंग ही तो है, यहाँ पे सब इतना प्रेशर क्यों बना रहे हैं कि इसके उद्घाटन के लिए आना है। लेकिन आज जब मैं यहाँ पे उद्घाटन के लिए आई हूँ, जब गांव की सकरी गली से घूम घूम के स्कूल के कॉम्प्लेक्स तक पहुँची हूँ, तब मुझे समझ में आया है ये स्कूल बिल्डिंग इतनी ज़रूरी क्यों थी कि मैदान गढ़ी गांव के बीचों बीच एक ऐसी जगह पर जहाँ पर स्कूल तो छोड़िए सड़क बनाने तक की भी जगह नहीं है। मुझे लगता है कि जिस सड़क से मैं आई यहाँ पे लाखरी 1.5-2 किलोमीटर, जहाँ से मेरी गाड़ी चल रही थी, कि अगर सामने से कोई दूसरी बड़ी गाड़ी आ जाती दोनों गाड़ियाँ पार नहीं कर पाती। एक ऐसे गांव में जहाँ पर जगह की इतनी कमी रही, एक ऐसे इलाके में जहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग पर इतना प्रेशर रहा, आज मुझे यहाँ पर आकर समझ में आया है कि ये एक स्कूल बिल्डिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जिस स्कूल ब्लॉक का आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, आज जहां पे ये शानदार 4 तल्ले की मॉडर्न बिल्डिंग खड़ी है, वहां पर याद करिए कुछ साल पहले टूटे फूटे 4 टीन शेड वाले क्लासरूम होते थे, याद है आपको? और हमारे बच्चे उन्हीं टूटी फूटी क्लासरूम में पढ़ते थे क्योंकि उनके पास पढ़ने की और कोई जगह नहीं थी, और माता पिता अपने दिल पे पत्थर रख के बच्चों को स्कूल में भेजते थे। जिसके पास पैसे होते थे वो सोचते थे कि जी बच्चे को इस टीन वाले स्कूल में तो नहीं पढ़ाना, कहीं दूर भेज देते हैं। लेकिन हर परिवार के पास अपने सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के भी पैसे नहीं होते थे। तो खास करके मैं कहूंगी, जब परिवार के पास एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने के पैसे होते हैं तो वो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे और अपने बेटियों को उस टेंट वाले स्कूल में, टीन वाले स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते थे। बताइए सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? ऐसा ही होता था ना। लेकिन आज जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो यहाँ पे मेरे सामने बैठी हुई हैं, और जो हमारे बच्चे हैं, आज ये नया एकेडमिक ब्लॉक बनने से एक शानदार बिल्डिंग में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, मैदानगढ़ी गांव के बच्चे पढ़ेंगे, राजपुर गांव के बच्चे पढ़ेंगे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद।